अयोध्या से निकलकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता सबसे पहले प्रयागराज पहुंचते हैं। यहीं पर वे ऋषि वाल्मीकि जी से मिले थे। फिर वे मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां भरत उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए मनाने आए थे। भरत को मना करने के बाद वो सेंट्रल इंडिया के दंडक वन में प्रवेश करते हैं, जहां उन्होंने अपने वनवास के 10 साल व्यतीत करे। फिर वे महाराष्ट्र के पंचवटी पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां से रावण ने माँ सीता का छल पूर्वक हरण करा था। सीता माँ को बचाने के लिए जटायु ने रावण का पीछा करा। दोनों का आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में युद्ध भी हुआ, पर रावण ने जटायु का वध कर दिया। उधर भगवान श्री राम भी माता सीता को खोजते हुए कर्नाटका के किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां पर वानरों का शासन था। यहीं पर भगवान श्री राम ने बाली का वध करा और हनुमान जी के साथ मिलकर वानर सेना को तैयार करा। सेना के साथ वो आगे बढ़े और तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां पर भगवान राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग को स्थापित किया था। फिर राम सेतु पुल का निर्माण कर लंकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया और आज हम इसी दिन दशहरा मनाते हैं। अशोक वाटिका से सीता माता को मुक्त कराने के बाद वे पुष्पक विमान से 20 दिन बाद वापस अयोध्या पहुंचते हैं। इसीलिए दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है।